हेलो एवरीवन, मैं हूं क्रैकी एंड वेलकम टू ईस्पोर्ट्स इन 5। इस शो में हम नजर मारने वाले हैं वर्ल्ड ऑफ ईस्पोर्ट्स में हो रही सारी चीजों के ऊपर इन जस्ट अंडर 5 मिनट्स। सो बिना किसी देरी के लेट्स गो। BGMI एथलीट मावी ने ग्लोबल ईस्पोर्ट्स ज्वाइन कर लिया है। इससे पहले मावी टीम एक्सपार्क के BGMI रोस्टर का हिस्सा थे। हमारी तरफ से मावी को बेस्ट ऑफ लक। ओरांगोटान की BGMI लाइनअप जिसमें शामिल थे कोच वेड्स और एथलीट्स आश, AKOP, विजगॉड, बिलीव और ड्रेगर ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रीसाइन कर लिए और ये टीम ओरांगोटान के बैनर के अंडर खेलेगी। टीम एक्सपार्क ने अपना BGMI रोस्टर रिवील किया। इस रोस्टर में शामिल हैं स्काउट, सारंग, डार्क लॉर्ड, सैयद ओपी, आदित्य जॉर्ड और पुकार। TSM इंडिया ने अपने BGMI रोस्टर को रिलीज कर दिया है। इस रोस्टर में शामिल थे निंजा, मायावी, एक्विनॉक्स और ब्लेज। कुछ एपिसोड्स पहले हमने बात किया था कि फॉर्मर हाइड्रा क्लैन मेंबर्स आयुष इज लाइफ, Born to Snipe और Emperor Plays ने Revenant Esports join कर लिया है as content creators और अब former Hydra Clan के co-leader Alpha Clashen ने भी Revenant Esports join कर लिया है as a content creator। Godlike Esports ने अपने content creator Nova King को कहा अलविदा। Nova King 2021 से Godlike का हिस्सा थे। Krafton ने BGMI के return के बाद पहली official event host की। इस star-studded event का नाम था The Rising और ये event June 1st से 4th तक चला। इस इवेंट में जाने माने एथलीट्स और कंटेंट क्रिएटर्स की 64 टीम्स ने अलग अलग मोड्स और मैप्स में कम्पीट किया। इस इवेंट के कंक्लूजन पर टीम रेबल द ओनली ऑल फीमेल स्क्वाड इन द इवेंट बन गए विजेता विद 113 टोटल पॉइंट्स। टीम जोनाथन ने जीता रनर अप स्पॉट विद 103.5 टोटल पॉइंट्स और टीम ओबेस आई थर्ड विद 102.5 टोटल पॉइंट्स। अरे मेरे को भी इनवाइट आया था क्राफ्टन से उसके लिए। सही में? हाँ तो आएगा ही ना। ए, पर मैंने तेरे को स्ट्रीम पे तो नहीं देखा। वो तो मैं गया नहीं सोच के कि सबको भी चांस देना चाहिए ना। हाँ अब याद आया, मैंने तेरा इनवाइट देखा था। ये करना जरूरी था? फालतू बकना जरूरी था। आगे बढ़ते हैं। BGMI के वापस आने के तुरंत बाद इस गेम ने Google Play Store के चार्ट्स को गेम्स कैटेगरी में टॉप कर दिया। इस हफ्ते Valorant Challengers League साउथ एशिया के स्प्लिट 2 के प्लेऑफ्स के दौरान अपर ब्रैकेट राउंड 1 में टू रेपर्स ने Revenant Esports को 2-1 से हराया और Godsrain ने Reckoning Esports को 2-1 से हराया। राउंड 1 के दोनों विनर्स अपर ब्रैकेट राउंड 2 में पहुंच गए। अपर ब्रैकेट राउंड 2 में स्प्लिट 1 चैंपियंस ओरांगोटान ने अपना डोमिनेंस जारी रखा और ट्रू रेपर्स को 2-0 से हराया और एसिड आर्मी ने Godsrain को 2-0 से हराया। लोअर ब्रैकेट राउंड 1 के मैच में Godsrain और Revenant Esports के बीच हुआ मुकाबला। Revenant Esports ने पहला मैप कंफर्टेबली जीता लेकिन Godsrain ने किया एक स्ट्रॉन्ग कमबैक और अगले दो मैप जीतकर मैच को 2-1 से जीत लिया। इसी के साथ Revenant Esports टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गए। लोअर ब्रैकेट राउंड 1 की दूसरी मैच में ट्रू रेपर्स एंड Reckoning Esports ने 1-1 मैप जीत लिया और डिसाइडर मैप 3 ओवरटाइम तक गया जो Reckoning Esports ने 17-15 से जीत लिया। इस हार के बाद ट्रू रिपर्स अब टूर्नामेंट से बाहर हो गए। लोअर ब्रैकेट राउंड 2 में Godsrain का मुकाबला होगा Reckoning Esports के साथ और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो जाएगी। Valorant गेम चेंजर्स APAC एलीट में अनफोर्सीन रीजंस की वजह से एक मैप फॉरफीट करने के बावजूद ग्लोबल ईस्पोर्ट्स फीनिक्स ने टीम निक्स को 2-1 की स्कोरलाइन से हराया। गेम चेंजर्स APAC एलीट के स्विस ब्रैकेट के राउंड 5 में ओरांगोटान ने 2-0 से टीम SMG के हाथों मात खाई। SADUL के Pokemon Unite रोस्टर ने Pokemon Unite इंडिया चैंपियनशिप जीत ली है। साथ ही FS Esports ने रनर अप स्पॉट जीता। दोनों टीम ने अगस्त में जापान में होने वाले Pokemon Unite वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ओरांगोटान के Pokemon Unite रोस्टर ने भी क्वालिफाई कर लिया है फॉर द Pokemon वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 फ्रॉम द APAC रीजन। उड़ीसा में 2 जून को हुए भयानक ट्रेन हादसे के विक्टिम्स को सपोर्ट करने के लिए जाने माने यूट्यूबर अजय नागर AKA कैदिमिनाटी ने 3 जून को एक चैरिटी स्ट्रीम करी। इस स्ट्रीम के दौरान उन्होंने 11,87,611 रुपए रेज किए और खुद से 1.5 लाख रुपए भी ऐड किए। ऐसे करके उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को 13,37,612 रुपए डोनेट किए। साथ ही SATUL ने भी स्काउट के चैनल पर एक चैरिटी स्ट्रीम की टू रेज फंड्स फॉर द विक्टिम्स ऑफ द ट्रेजेडी और 14 लाख रुपए से ज्यादा रेज किए जिसपे अपनी तरफ से स्काउट ने भी 1 लाख रुपए ऐड किए और टोटल हो गया 15 लाख से ज्यादा। SATUL के को फाउंडर थक के मुताबिक ये रकम अलग अलग NGOs और चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड को दी जाएगी। लीग रिलेटेड कॉम्पिटिशन के स्केड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट की वजह से LPL और LCK प्लेयर्स रोड टू एशियन गेम्स स्किप कर रहे हैं। हालांकि एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए रोड टू एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना जरूरी नहीं है पर जो भी टीम्स और एथलीट्स पार्टिसिपेट करेंगे उनको एशियन गेम्स के सीडिंग के दौरान एडवांटेज मिलेगा। Valorant Masters टोक्यो जून 11 को शुरू होने वाला है एंड इसके सेलिब्रेशन में Riot Games ने टोक्यो के आसमान को रोशन कर दिया विद अ स्टनिंग लाइट शो। इस लाइट शो में ड्रोन्स का इस्तेमाल करके आसमान में VCD का लोगो बनाया गया। इसी के साथ Esports in 5 का ये एपिसोड समाप्त हुआ। क्या हमने कोई खबर मिस की है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें। आप हमें लोको और ट्विच पर भी फॉलो कर सकते हैं, और ई-स्पोर्ट्स के बारे में और बातचीत करनी हो तो हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर लीजिए। हमारे प्लेटफॉर्म को डेफिनेटली विजिट करें। इसी के साथ मैं कहूंगा गुड बाय और आपसे मिलूंगा अगले हफ्ते।